हेलो दोस्तों, अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी के आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो आप कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ फॉर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ जिसमें पूरी तरह से चार्ज क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन अगर बोलना चाहें कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसमें आपका चार्ज क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर हो गया। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो अ सिस्टमैटिक डायग्राम विच रिप्रेजेंट ऑल द कंपोनेंट of electric circuit with their symbol is known as circuit diagram, ठीक है। circuit diagram क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का अगर आप सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हो, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने कंपोनेंट हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनके सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं और सबको किससे जोड़ते हैं, कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। तो वो सिस्टमेटिक डायग्राम जो पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट को शो करता है, किसकी हेल्प से, सिंबल की फॉर्म में या सिंबल की हेल्प से उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम या सिंपल सर्किट डायग्राम बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सर्किट डायग्राम बनाना चाहता हूं जिसमें आपका एक बल्ब, एक स्विच, एक बैटरी कनेक्टेड, ठीक है। तो आपका ये मैंने आपका क्या बनाया, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, ठीक है। ये मैंने क्या बनाई, बैटरी बनाई, और यहां पर क्या बनाया, ये स्विच बना दिया, ठीक है। ये आपका क्या बना दिया, स्विच बना दिया। तो ये एक आपका सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब अगर स्विच ओपन है तो ऐसा बनाएंगे, क्लोज है तो इसको यहां पर जोड़ देंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हो गया। और ये जो सिंपल लाइन है, ये आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक वायर या कनेक्टिंग वायर को शो करती है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सर अलग अलग चीज का सिंबल क्या होता है, कैसे अपन उस डिवाइस को शो करते हैं। तो आपके अलग अलग सिंबल में यहां पर बताऊं, इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है, एंड देयर सिंबल, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बल्ब की, ठीक है। तो ये आपका बल्ब का सिंबल होता है। फिर अपन बात करते हैं किसकी, बल्ब के बाद अपन बात कर लेते हैं सेल की। तो एक सिंगल सेल मतलब एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं बैटरी।
बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। जब कई सारे सेल को जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है? बैटरी बनती है। तो बैटरी में अपन क्या करते हैं, कई सारे सेल जोड़ देते हैं, ये आपकी क्या हो गई बैटरी। जितने बड़े छोटे डंडे उतने सेल जुड़े हैं, मतलब इस बैटरी में कितने सेल जुड़े हुए हैं? 3 सेल जुड़े हुए हैं, ठीक है। बैटरी के बाद आता आपका रजिस्टर, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपका फिक्स रजिस्टर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद आता आपका वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर क्या होगा? ऐसा ही सिंबल बनाएंगे, बस उसमें बीच में क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे, या फिर ऐसा ही सिंबल बना के एक इस तरह से एरो बना देंगे। तो ये दोनों सिंबल किसके होते हैं? वेरिएबल रजिस्टर के सिंबल होते हैं। किसके सिंबल होते हैं? वेरिएबल रजिस्टर के सिंबल होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं अपन कनेक्टिंग वायर की। कनेक्टिंग वायर, ठीक है। कनेक्टिंग वायर का सिंबल क्या होता है? सिंपल स्ट्रेट लाइन जो बनाते हैं वो क्या होता है? कनेक्टिंग वायर होता है। ज्वाइंट को अगर बताना चाहते हैं, ज्वाइंट, तो ज्वाइंट कैसे बताते हैं? ये वायर ले लिया, यहां पर एक ये बना दिया, तो ये आपका ज्वाइंट ऑफ वायर बताया जाता है, ठीक है। जम्पर, या अपन क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ऑफ वायर, क्रॉसिंग ऑफ वायर विदाउट कनेक्शन, बिना कनेक्शन के वायर की किस तरह से क्रॉसिंग होगी। तो ये वायर गया ऊपर से, ये एक और वायर आ गया, तो ये वायर आपस में जुड़े हुए नहीं है, बस जस्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस करके जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्विच। स्विच आपके दो तरह से होते हैं, एक ओपन स्विच और एक क्लोज स्विच। ओपन स्विच में मतलब आपने इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करके रखा, करंट पास नहीं हो रहा, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन स्विच। तो ये आपका क्या हो गया, ओपन स्विच, ठीक है। तो ओपन स्विच किस तरह से होगा? दो तरीके से बना सकते हैं ओपन स्विच को, एक तो इस तरीके से बना सकते हैं और एक इस तरीके से बना सकते हैं, ये आपका ओपन स्विच बनता है, ठीक है। इसके बाद और भी डायग्राम होते हैं, और भी सिंबल होते हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब ओपन स्विच के बाद अपन बात करते हैं क्लोज स्विच। क्लोज स्विच कैसा होता है? दो तरीके से क्लोज स्विच को भी बना सकते हैं, एक इस तरीके से, ठीक है, ये क्लोज स्विच हो गया, और एक इस तरीके से, ये भी आपका क्या हो गया, क्लोज स्विच हो गया। तो आपका सिंबल में क्या हुआ, बल्ब हो गया, सेल हो गया, बैटरी हो गया, रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर हो गया, कनेक्टिंग वायर हो गया, ज्वाइंट हो गया आपका, क्रॉसिंग वायर हो गया विदाउट कनेक्शन, ओपन स्विच हो गया, क्लोज स्विच हो गया। अब आता आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, वोल्ट मीटर। हाँ, वोल्ट मीटर अगर कहीं भी सर्किट में लगाया जा रहा है तो जिसका वोल्टेज मेजर करना है उस डिवाइस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट मीटर लगाया जाता है। उसके बाद आपका आता अमीटर। अमीटर, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करता है। अमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। इसको किसी भी डिवाइस के किस में लगाया जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है अमीटर। इनके अलावा एक और डिवाइस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? आपके स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है। जब ज्यादा करंट नहीं, कम, बहुत कम करंट होता है, करंट को डिटेक्ट करना रहता है, तो हम किसका यूज करते हैं, आपका गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर कैसा होगा? गैल्वेनोमीटर, ये आपका गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में क्या लिखते हैं? जी लिखते हैं, ठीक है, ये आपका जी हो गया, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना आपको, आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। गैल्वेनोमीटर तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ये आपके क्या हो गए, सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस और उनके सिंबल जो आप 10 तक पढ़ते हो, उसके बाद भी सिंबल होते हैं, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है, उनके नाम अभी तक आपने
सुने नहीं है, पढ़े नहीं है, इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं मैं। आपके सिलेबस में जो है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है, सिंबल क्या होते हैं। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब अपन बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम फ्रॉम गिवन फॉर गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या सिंपल आप बोल सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हो गया क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई। इलेक्ट्रिक करंट को किसे नोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। चार्ज को किससे नोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। अब आप ये समझो चार्ज भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो भी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इट्स यूनिट, अच्छा चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड, कूलाम पर सेकंड। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, एम्पियर। अच्छा, साइंटिस्ट के नाम पर जब भी यूनिट लिखती है तो उनका पहला लेटर कैपिटल नहीं, साइंटिस्ट का नाम में कैपिटल लिखेंगे लेकिन जब यूनिट लिखेंगे तो पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखना है। तो एम्पियर ये इसकी यूनिट होगी, डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब अपन बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है, तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है डिफाइन वन एम्पियर, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं डिफाइन वन एम्पियर। तो वन एम्पियर की डेफिनेशन बहुत ईजी है, वन एम्पियर, ठीक है। इफ वन कूलम चार्ज इज फ्लो इन कंप्लीट सर्किट इन वन सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज नोन एज वन एम्पियर, ठीक है। इफ वन कूलम चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट इन वन सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ करेंट, देन द वैल्यू ऑफ करेंट इन दैट सर्किट इज वन एम्पियर, ठीक है। तो ये आपके वन एम्पियर की डेफिनेशन हुई। अब बात आती है कि किसी भी कंडक्टर में या किसी भी डिवाइस में जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण फ्लो होता है। तो आपका जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फ्री क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप इसके अक्रॉस बैटरी नहीं लगाओगे या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाओगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट क्यों फ्लो नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जब आप नहीं लगा, मतलब
बैटरी नहीं लगा रहे तब भी ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन रैंडम डायरेक्शन में। तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। नेट मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसलिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। जब तक आप बैटरी नहीं लगा रहे हो तो करंट की जो एवरेज, सॉरी इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप कंडक्टर के अक्रॉस क्या लगाते हो, बैटरी लगाते हो, तो बैटरी लगाने से क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करने लगेंगे। तो नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो करने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करेगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन। जब नेगेटिव इधर आ रहा है तो पॉजिटिव किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो जैसे ही आप बैटरी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण आपका चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो करंट भी इधर फ्लो होगा। तो आप स्टार करके बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके कारण मूव होता है, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, टुवार्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां मूव करते हैं, टुवार्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और करंट का मूव कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहे हैं, यहां से यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट कहां से कहां मूव कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहा है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, करंट की डायरेक्शन क्या है आपकी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये करंट की तो डायरेक्शन होती है तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रखा जाता, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट कहां से कहां मूव कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। मतलब मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपकी क्या होगी, करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी। तो ये अपन ने पढ़ लिया किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बारे में, उसके फॉर्मूले के बारे में, वो किस टाइप की क्वांटिटी है, उसकी यूनिट के बारे में, और उसकी डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। अब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होगा जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा। अगर उसके दोनों तरफ सेम पोटेंशियल लगा दिया जाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस कंडक्टर में कोई करंट पास नहीं होगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, किसी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पे सेम पोटेंशियल लगा दिया जाए, मतलब उनके पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस कंडक्टर में कोई करंट पास नहीं होगा। कंडक्टर में करंट तभी पास होगा जब उसके अक्रॉस क्या लगाया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को किसने दिया था, ओम्स ने। उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। ये आपके 10th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, इस पर कई सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो अब अपन बात करते हैं ओम्स लॉ
क्या बोलता है ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन, एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट. ठीक है, क्या बोल रहा है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ ये बोल रहा है कि अगर आप कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन रखते हैं, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि आप कंडक्टर की लेंथ चेंज नहीं करेंगे, एरिया चेंज नहीं करेंगे, उसका शेप चेंज नहीं करेंगे और आपका टेम्परेचर भी चेंज नहीं करेंगे. इन कंडीशन को अगर कॉन्स्टेंट रख के अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो किसके अक्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस, तो करेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस क्या करोगे, कम करोगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में वो उसके अक्रॉस लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप मतलब उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है, यानी अपन क्या कर रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो होने वाला करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी आपका जो आई है, करंट को किस रूप कहते हैं, आई से, आई प्रोपोर्शनल है वी के और वी प्रोपोर्शनल है आई के. अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कॉन्स्टेंट. तो यहां पर भी क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा. तो वी बराबर क्या हो जाएगा, आर आई, वी बराबर आर आई. यहां पर ये आर क्या है, वेयर आर इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, वेयर आर इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I. R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I. तो यहां से इसकी डेफिनेशन भी बता सकते हैं, हेंस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कंडक्टर व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है, यानी कंडक्टर में यूनिट करंट फ्लो करेंगे, मतलब आई की वैल्यू क्या कर देंगे, 1. तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा. ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं. इट्स यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो आपका क्या होगा, पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट. करंट की क्या होती है, एम्पियर.
ठीक है। तो ये हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, 1 ओम बोल देते हैं। ओम को सिंबल क्या होता है, ओमेगा, कैपिटल ओमेगा से नोट करते हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, ओम। 1 ओम क्या होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है, ठीक है। यानी अगर आपसे 1 ओम की भी डेफिनेशन पूछ ले तो आप बता सकते हैं क्या होती है, इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट ऑन फ्लोइंग 1 एम्पियर करंट थ्रू इट, देन इट्स रेजिस्टेंस इज सेट टू बी 1 ओम। यानी किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट पास करने पर उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। अब अगर अपन ग्राफ बात करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसमें आई वर्सेस वी में, तो ये क्या आएगा, इस तरह से लाइन आएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखना आई ऊपर है, वी नीचे, और रेजिस्टेंस में वी ऊपर है आई नीचे, मतलब आई ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और वी ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर ऐसा ग्राफ बना हुआ है, आई और वी दो मटेरियल के लिए बनाया हुआ, एक ए लिया है और एक बी लिया है, तो उसमें से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो भाई जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो ए का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, दो मटेरियल के लिए एक ही ग्राफ पर अगर पूछ लिया जाए। अच्छा, इसमें और भी फैक्टर होते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब मैंने ये बोला दोनों मटेरियल सेम है लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है, तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी फैक्टर अफेक्टिंग अपन ने पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन ये ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये रखना आई यहां पर वी यहां पर, तो जो ऊपर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो नीचे होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वैसे ही अभी हो गया, अगर ये ग्राफ ऐसा होता वी वर्सेस आई, तो ये भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता। अब इसमें जो ऊपर होता उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और जो नीचे होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो आर ए ज्यादा हो जाएगा, आर बी कम हो जाएगा, ठीक है। अब वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं। उसके लिए अपन एक स्पेशल सर्किट बनाते हैं और उससे अपन क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो अब आपसे कई बार पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, पहले तो ओम्स लॉ लिखना रहेगा, ठीक है, पूछेंगे राइट ओम्स लॉ, क्वेश्चन क्या आएगा, राइट ओम्स लॉ एंड एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या रहेंगे, पहला रहेगा सर्किट डायग्राम, दूसरा ऑब्जर्वेशन टेबल, तीसरा ग्राफ, ठीक है, ये आपका और इन पॉइंटों पर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपने ओम्स लॉ तो पढ़ लिया, ओम्स लॉ तो आप लिख ही देंगे, उसके बाद आपका बात करें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा सर्किट डायग्राम, ठीक है, सर्किट डायग्राम। इसमें क्या आएगा, आप मान के चलो एक बल्ब ले लिया, ठीक है, इसके अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगाया, यहां पर सीरीज में मेजर करने के लिए एक एमीटर लगाया। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है तो वोल्ट मीटर लगाते हैं, करंट अगर मेजर करना है तो आपका एमीटर लगाते हैं। अच्छा, बल्ब की जगह पर आप रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो, सिंपल आपका ऐसा रेजिस्टेंस भी लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या लगाई, बैटरी लगाई, ठीक है, बैटरी आपका वेरिएबल बैटरी भी ले सकते हो जिसका वोल्टेज अपन चेंज कर सके, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस लेके भी आप इसका काम चला सकते हो। मैं यहां पर वेरिएबल बैटरी ले लेता हूं, इसमें सेल क्या कम या ज्यादा करूंगा तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा हो जाएगा। फिर यहां पर क्या लगाऊंगा, स्विच लगाऊंगा और इस सर्किट को कंप्लीट कर दूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन टेबल आती, क्या आती है, ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। उसके बाद यहां पर आएगा सीरियल नंबर,
ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कितने कनेक्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आएगा आपका रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। उसके बाद यहां पर आएगा वोल्ट मीटर की रीडिंग बी, रीडिंग ऑफ आ मीटर ए एम्पियर में और ये वोल्ट में, ठीक है। उसके बाद ये आर आएगा तो ये वी अपॉन है, ठीक है। अब यहां पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यहां पर सीरियल नंबर वन नंबर ऑफ सेल एक कुछ रीडिंग आएगी, कुछ रीडिंग आएगी रेशियो आएगा, फिर दो दो सेल लिया कुछ रीडिंग आएगी, कुछ रीडिंग आएगी रेशियो आएगा, तीस तीन सेल लिए वो कुछ रीडिंग आएगी, कुछ रीडिंग आएगी कुछ रेशियो आएगा। अब ओम्स लॉ में क्या होगा, ये रेशियो क्या होगा हर बार सेम आएगा। मतलब कहना क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट आता है अगर आपकी फिजिकल कंडीशन सेम रहती है। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो, तो बच्चे सोचते हैं आर बराबर वी अपॉन आई, वी डबल कर दिया तो आर भी क्या हो जाएगा डबल, नहीं, अगर वी डबल करोगे तो आई भी क्या होगा डबल हो जाएगा, आर सेम रहेगा। तो करंट और वोल्टेज चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डू नॉट चेंज विद चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है, वो क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है। या आप स्टार करके, चलो मैं बारे में बताऊंगा, ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल होगी। उसके बाद लास्ट चीज रहती है आपका ग्राफ, तो ग्राफ क्या हो जाएगा आपका आई वर्सेस वी में ग्राफ बनाएंगे और वो क्या आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, पॉइंट बनाएंगे एक यहां पर वी मार्क कर लेंगे, यहां पर करस्पॉन्डिंग आई मार्क कर लेंगे, तो ये पॉइंट्स आएंगे और ये आपकी स्ट्रेट लाइन पर आने चाहिए, वी और आई दोनों स्ट्रेट लाइन पर आनी चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही तो आपका ओम्स लॉ क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो आपका जब बोर्ड में पूछा जाता तो बोर्ड में अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो राइट ओम्स लॉ पूरा लिखना है, आई प्रोपोर्शनल टू वी, वी प्रोपोर्शनल टू आई, तो वी बराबर आर आई, आर क्या है रेजिस्टेंस है, उसकी यूनिट वगैरह लिख के खत्म कर देना। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट ओम्स लॉ एंड आल्सो डिस्क्राइब इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो फिर आपको सर्किट डायग्राम भी बनाना, ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनानी और ये ग्राफ भी बनाना रहेगा, तब जाके आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगा किसका ओम्स लॉ का, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा था स्टार करके लिखने का, क्या बोल रहा था कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। यानी किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है उसके अक्रॉस लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड नहीं करता, करंट पर भी डिपेंड नहीं करता। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को भी डबल कर दोगे तो भी आपका रेजिस्टेंस वही रहेगा, करंट को भी डबल कर दोगे तो भी आपका रेजिस्टेंस वही रहेगा। तो आपका जो आर होता है वी और आई पर डिपेंड नहीं करता, किन चीजों पर डिपेंड करता है ये अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका क्या कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ओम्स लॉ पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल में क्या आएगा ओम्स लॉ पे, न्यूमेरिकल में सिंपल सी चीज आएगी कि आपको करंट दे देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, रेजिस्टेंस पूछ लेंगे, रेजिस्टेंस दे देंगे, करंट दे देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, रेजिस्टेंस दे देंगे, करंट पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के तीन क्वेश्चन आपके बनते हैं, मैं तीनों क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, ठीक है। फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम सॉरी 5 ओम ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट,
ठीक है। तो सॉल्यूशन आप देखेंगे क्या आएगा, आपको क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V दिया है कितना 10 वोल्ट, R दिया है कितना 5 ओम, पूछा क्या है करंट पूछा है, तो आप अच्छे जानते हो बाय ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है आपका, V बराबर R I, तो I बराबर V अपॉन R, ठीक है। तो आपका I बराबर V कितना है 10 वोल्ट, R कितना है 5 ओम, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है, ये आपका करंट हो जाएगा 2 एम्पियर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं दूसरा क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इफ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना है, उसमें क्या हो रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, कब, जब आप उसके अक्रॉस कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो, 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो। तो सॉल्यूशन दिया क्या है, वी दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से नोट कर दो या पीडी से नोट कर दो। तो वी कितना दिया 8 वोल्ट, आई कितना दिया है 2 एम्पियर, ठीक है। R क्या होता है, R होता है V अपॉन I, ओम्स लॉ में अपन ने प्रूफ किया है R बराबर क्या होता है V अपॉन I, तो R बराबर V अपॉन I, तो R बराबर क्या हो जाएगा 8 बाय 2 यानी 8 वोल्ट अपॉन 2 एम्पियर, तो ये हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 ओम। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन आ सकता है, रेजिस्टेंस दिया हो, करंट दिया हो और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हो, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूं, वो भी आप कर लीजिए, बाकी आगे की चीजें अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर ऑन फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर ऑन फ्लोइंग 2 एम्पियर या 2.5 एम्पियर करंट इफ इट्स रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपको क्या दिया है, R दिया है कितना 5 ओम, I दिया है कितना 2.5 एम्पियर, V पूछा है, ठीक है। तो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V बराबर R I, ठीक है। तो V बराबर 5 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करो, तो V बराबर 5 5 25, 2 5 2 10 और 2 12.5 वोल्ट, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, आपके रेफरेंस बुक में दिए हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा आपके ऐप पर असाइनमेंट में आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो बिल्कुल आप उनको सॉल्व करिए, और जो समझ में नहीं आता बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये लेक्चर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।